ये पहला प्रश्न है हमारा। यदि पानी से पूरा भरे हुए त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलनाकार कप में त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर का एक कंचा डाला जाए तो बेलनाकार कप में से कितना पानी बाहर निकल जाएगा? तो इसको इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। इंग्लिश में कहता है, ए कैनल इज 300 सेंटीमीटर वाइड, सॉरी पर्सन है कि ए मार्बल ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज पुट इनटू ए सिलेंड्रिकल कप फुल ऑफ वाटर इफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर, तो देन हाउ मच वाटर फ्लो आउट ऑफ द सिलेंड्रिकल कप। यानी एक ऐसे सिलेंड्रिकल कप है, बेलनाकार कप है, ऐसे बेलनाकार कप है, इसके अंदर ना एक स्फीयर यानी गोले को डाल ऐसे गोले को डाला जा रहा है। ये पूरा पानी से भरा हुआ था, इसके अंदर ये एक गोले को डाला जा रहा है, स्फीयर को डाला जा रहा है। तो बोला है कि इसको डालने पर इस कप में से कितना पानी बाहर गिर जाएगा, ठीक है? तो जितना इसका वॉल्यूम है तो उतने के बराबर ही पानी इसमें से गिर जाएगा जब हम इसको इसमें डाल देंगे, क्योंकि ये पूरा पानी से भरा हुआ है। तो इसके अंदर से कितना पानी बाहर गिरेगा? तो जितना इसके अंदर सामान गया है तो उतने के बराबर पानी इसमें से बाहर गिर जाएगा। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो इतने ही वॉल्यूम के बराबर इस कप में से पानी गिर जाएगा। तो पूछा था कि बेलनाकार कप से कितना पानी बाहर निकल जाएगा, तो इसके लिए हम निकाल देंगे गोले का आयतन। तो लिख देंगे कि कप से निकाले गया जो पानी होगा उसका आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ होता है। तो 4/3 π की वैल्यू 22/7, इसको इंग्लिश में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कहेंगे, ठीक है? तो हम आंसर लिख देंगे कि वाटर फ्लो आउट फ्रॉम द सिलेंड्रिकल कप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³, तो 4/3 π की 22/7, रेडियस देखोगे 2.1 दिया था, 2.1 × 2.1 × 2.1, 7 से कट जाएगा, 7 × 3 = 21, और 3 से ये भी कट जाएगा तो 0.1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 × 4 = 88, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.1 × 2.1, तो 2.1 × 2.1 इसे मल्टीप्लाई कर लो, तो डेसिमल देखोगे एक अंक के आगे, एक अंक के आगे यहाँ, दो अंक के आगे यहाँ आ जाएगा, तो 4.41 आ जाएगा, और इंटू 0.1। अब 88 0.1 से होगा तो 8.8 और मल्टीप्लाई 4.41। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है बस, और आपका आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम जो होता है ना सेंटीमीटर की क्यू में आता है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है? इसमें एक बात का और ध्यान देना है, कई बार इसको बोलेगा कि इसको मिलीलीटर में या लीटर में बताओ, तो आपको याद रखना है कि ये जो आंसर आएगा अगर हम इसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड दे दें तो ये आंसर लीटर में निकल जाएगा, ठीक है? तो ये जो भी आंसर आएगा अगर उसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड दे देंगे तो आपका आंसर लीटर में आ जाएगा, ठीक है? फिर ये भी याद रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये सब भी ध्यान रखना है, ठीक है? फिर आज का दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से कि 22 सेंटीमीटर किनारे वाली एक घनाकार आइसक्रीम ब्रिक को त्रिज्या 2 सेंटीमीटर ऊंचाई 7 सेंटीमीटर वाले आइसक्रीम शंकुओं में पूरी तरह ऊपर तक भर कर कुछ बच्चों में वितरित किया जाना है। कितने बच्चों को ये आइसक्रीम शंकु वाली आइसक्रीम प्राप्त हो जाएगी या हो पाएगी? तो 22 सेंटीमीटर किनारे वाला एक घनाकार आइसक्रीम पूरा ब्रिक यानी पूरा मुंह तक भरा हुआ है, तो ऐसे पूरा एक घनाकार क्या होता है जिसकी
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर हो, यानी घन हो गया। तो इसकी भुजा 22 22 22 22 दी हुई है। अब बोल रहा है कि इसमें से पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है, अब उसको ना एक शंकु के अंदर भरना है। शंकु जैसा आइसक्रीम है, उसकी रेडियस दिया था 2 और ऊंचाई दिया था 7 सेंटीमीटर भरना है। तो अब इसमें से आइसक्रीम निकाल निकाल के इसके अंदर भरना है, तो ऐसे कितने आइसक्रीम को भरा जाएगा और कितने बच्चों में बांटा जाएगा। तो प्रश्न पूछा है बताओ कितने बच्चों को ये आइसक्रीम बांटा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम को, इसके पूरे वॉल्यूम को इस शंकु के वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इंग्लिश में लिखा है, ए क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 22 सेंटीमीटर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम चिल्ड्रन बाय फिलिंग आइसक्रीम कॉन्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर अप टू इट्स ब्रिम। हाउ मैनी चिल्ड्रन विल गेट द आइसक्रीम कोन, कितने बच्चों को ये आइसक्रीम मिलेगी। तो नंबर ऑफ कॉन्स पता करना है कि कितने बच्चों को ये आइसक्रीम मिलेगी। तो इसके लिए हम इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे, क्योंकि इसी में से इसमें भरा जाना है। तो अगर इसका जितना वॉल्यूम होगा उसको अगर एक इससे डिवाइड दे देंगे तो जो आंसर आएगा उतने ही कोनों को भरा जाएगा आइसक्रीम से और उतने ही बच्चों में बांटा जाएगा। तो नंबर ऑफ कोन यानी शंकुओं की संख्या पता करने के लिए इसका वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब को भाग दे देंगे वॉल्यूम ऑफ कोन से, यानी हम घन का आयतन निकाल के भाग दे देंगे शंकु के आयतन से। तो एक घन का आयतन होता है आपका ए की क्यू यानी साइड की क्यू, भुजा की क्यू, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो भुजा हो जाएगा 22 गुना 22 गुना 22 और भाग दे देंगे 1/3 पाई के लू 22/7 और रेडियस 2 2 और हाइट 7। इस 7 से 7 कट जाएगा, 22 से 22 कट जाएगा, ये 3 जो डिवाइड में ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 22 × 22 × 3 और डिवाइड में आ जाएगा ये 2 2 और बस 7 तो कट गया था। तो 2 से कट जाएगा 11, 2 से कट जाएगा 11, 11 11 मल्टीप्लाई होगा 121 × 3, तो 363 बच्चों में बांटा जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि 363 जो हैं आइसक्रीम कॉन्स होंगे, यानी शंकुआकार आइसक्रीम की संख्या 363 है और 363 बच्चों में बांटी जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, एक 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर उसे अनेक छोटे छोटे शंकुओं के रूप में ढाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। इस प्रकार बनाए गए शंकुओं की संख्या ज्ञात करो। तो प्रश्न है कि 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस धातु के गोले को पिघला दिया गया है और उसके छोटे छोटे शंकु के रूप में ढाल दिया गया है। तो यानी एक ऐसे पूरा गोला था, ठीक है, ऐसे पूरा गोला था, उसका रेडियस भी दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, इसको पूरा पिघला दिया है। पिघलाने के बाद इसी से ना ऐसे छोटे छोटे कॉन्स यानी शंकु बनाए गए हैं और इनकी भी रेडियस दिया हुआ है 3.5 बनाया गया है और इसकी जो हाइट है वो 3 सेंटीमीटर जितना बनाया गया है। तो पूछा है कि बताओ ऐसे कितने कॉन्स बनाए जा सकते हैं जब हम इस गोले को पिघला के ऐसे ऐसे बनाएंगे, तो ऐसे कितने कोनों को मतलब बना सकते हैं, ये पूछा है, ठीक है। इंग्लिश में लिखता है, ए सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर कॉन्स ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स सो फॉर्म। पता करना है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स यानी कितने शंकु बनाए जा सकते हैं इसी को पिघलाकर। तो इससे पिघलाकर ये चीज़ बन रही है, तो ये कितने बनाए जाएंगे यही पूछा है। तो हमें फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कॉन्स मतलब कितने शंकु बनाए जाएंगे, शंकुओं की संख्या पता करना है। इसके लिए हम इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड दे देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिवाइड दे देंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन से, यानी गोले के आयतन को, गोले का आयतन को डिवाइड दे देंगे एक शंकु के आयतन से, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो गोले का जो आयतन यानी वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है और जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है।
तीन से ये तीन कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो चार गुना रेडियस का क्यूब। रेडियस इसकी कितनी है, तो 10.5 10.5 और 10.5, तीन बार, और इसके डिवाइड में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो 1/3 से तीन कट गया था, पाई से पाई कट गया था, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ये रहा 3.5 3.5, और हाइट देखोगे तीन। अब इसे काटना है, तीन से ये कट जाएगा, 3 3 9 3 5 15 3.5 3.5 से ये भी कट जाएगा, फिर 3.5 से ये भी कट जाएगा, तो ये आपका तीन आ जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा 4 × 10.5 × 3। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेंटीमीटर, सॉरी, तो नंबर ऑफ कोन्स आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि कोई नहर 300 मीटर चौड़ी और 300 सेंटीमीटर, तो कोई नहर 300 सेंटीमीटर चौड़ी और 120 सेंटीमीटर गहरी है। इस नहर में पानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। वह 20 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा यदि इसके लिए 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता होती है। इंग्लिश में लिखता है, एक कैनल इज 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप। द वाटर इन द कैनल इज फ्लोविंग विद ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच एरिया विल इट इरीटेट इन 20 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। तो ये कोई नदी है, तो नदी को ना आप ऐसे समझ लो कि ये एक ना पूरा आपका क्यूबॉइड ही है। तो इसके अंदर जो नदी है, इसके अंदर पानी बह रहा है, उसकी स्पीड दी हुई है, तो ये नदी की लेंथ हो जाती है। तो लेंथ ऑफ कैनल इन वन आवर, तो एक घंटे में नदी की लंबाई हो जाएगी आपकी 20 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड दिया था ना 20 किलोमीटर पर आवर, तो एक घंटे में नदी की लंबाई हो जाएगी 20 किलोमीटर, यानी 20,000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं, तो 20 मीटर में 20,000 मीटर। इसकी चौड़ाई ऊंचाई भी दे रखी है, इसकी चौड़ाई लिखा था 300 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड दे देंगे तो 3 मीटर, और हाइट भी दे रखा था 120 सेंटीमीटर, तो इसको भी 100 से डिवाइड दे देंगे तो ये मीटर में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर। कह रहा है कि बताओ कि ये 20 मिनट में कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा यदि इसके लिए 8 सेंटीमीटर खड़े पानी की आवश्यकता है। अब देखो, ये जो नदी का पानी है, ये ऐसे किसी खेत में डाल रहे हैं, खेत में जो पानी भरेगा तो वो भी एक तरह से क्यूबॉइड ही बनाएगा, यानी घना भी बनाएगा। जैसे ये भी क्यूबॉइड है, वैसे ये भी क्यूबॉइड है, तो इसके अंदर कितना हाइट तक पानी भरना है, तो खड़ा पानी इसके अंदर 8 सेंटीमीटर जितना भरना है, तो इसको भी मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे, 8/100 मीटर भरना है यानी। तो इसका एरिया हमें निकालना है कि इसमें 20 मिनट में ये कितना एरिया की सिंचाई करेगा, तो सिर्फ 20 मिनट में, तो हम 20 मिनट में नदी की लंबाई निकाल लेंगे। ये जो लंबाई है ये एक घंटे की लंबाई है, तो हम पहले लिखेंगे कि एक घंटा यानी 60 मिनट, तो 60 मिनट में नदी की लंबाई, तो 60 मिनट में नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 20,000 मीटर। तो हमें यहाँ पे एक मिनट में निकालना है कि एक मिनट में नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसको डिवाइड दे देंगे इतना मीटर, 60 मिनट में इतना, तो एक मिनट में पता करने के लिए इसको डिवाइड में ले आएंगे। फिर 20 मिनट में पता करना है कि 20 मिनट में नदी की लंबाई कितनी होगी, तो 20,000 को डिवाइड दिया था ना 60 से, इसको 20 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो 20 × 60, तो यह जाएगा 20,000/3 मीटर, यानी इतने मीटर नदी की लंबाई हो गया। तो अब इस नदी में 20 मिनट में जितना पानी होगा वही पानी इधर भी आएगा, तो जो वॉल्यूम इसका होगा नदी में पानी का वॉल्यूम जितना होगा उतना ही पानी का वॉल्यूम यहाँ भी होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अब कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल इन 20 मिनट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फील्ड। हिंदी में 20 मिनट में नदी में पानी का आयतन बराबर होगा खेत में पानी का आयतन। तो नदी का जो वॉल्यूम निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और जो खेत में पानी का वॉल्यूम भी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ये जो लेंथ इनटू ब्रेथ है ये एरिया बन जाएगा,
तो क्योंकि एरिया ऑफ फॉर्म एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा, यही निकालना है और हाइट दिया हुआ था, तो एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है और हाइट दिया हुआ था 8/100। देखो यहाँ पे हाइट दिया हुआ था खेत में 8/100 भरना है, और इसकी लेंथ मैंने निकाली थी 20,000/3, और इसकी ब्रेथ और हाइट यहाँ दे रखी थी जो कि मैंने मीटर में बदल ली थी, ये 3 मीटर और ये 1.2 मीटर, 3 से 3 कट जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आएगा, 10 से 1 0 कट जाएगा, 12 दूनी 24 और 3 0 आ जाएंगे 24,000, ये बराबर हो जाएगा एरिया मल्टीप्लाई 8/100। तो यहाँ लिखेंगे एरिया मल्टीप्लाई 8/100, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24,000 में और ये डिवाइड में आ जाएगा, तो आपका एरिया आ जाएगा 8 से कट जाएगा 3 बार में, तो हो जाएगा 3,000 × 100। ये आंसर मीटर में आएगा, तो इसे हेक्टेयर में बदलने के लिए हम 10,000 से भाग दे देंगे, तो याद रहे 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10,000 से जब डिवाइड देंगे तो 4 0 हट जाएगा, तो आपका 30 हेक्टेयर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जाएगा 30 हेक्टेयर, तो 30 हेक्टेयर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी ये जो नहर है ये कितने क्षेत्रफल की सिंचाई करेगा 20 मिनट में, तो 30 हेक्टेयर की करेगा, ठीक है।